डजेंट मैटर आप कौन सी टाइप की बाइक चलाते हो, छोटी बाइक हो, कम पावर की या ज़्यादा पावर की, लेकिन अगर आप बाइक यूज़ कर रहे हो डेली ऑफिस जाने के लिए, तो एक एक्सेसरी ऐसी है जो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही रेकमेंड करूँगा ट्राई करने के लिए। ट्राई मत करो, यूज़ करो, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी आपकी डेली ट्रैवलिंग, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर का, या इनफैक्ट जो भी लोकल में ट्रैवल करते हो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। वो एक्सेसरी है ये टैंक बैग। टैंक बैग के अंदर में अब डिपेंड करता है, ये मैंने अभी छोटा सा कॉम्पैक्ट टैंक बैग लिया है छोटा सा, बिकॉज मुझे ज़्यादा बल्कि नहीं चाहिए था सामने, जस्ट टू कैरी माय मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक, फिर मोबाइल का सॉरी एक्शन कैमरे का माउंट्स वगैरह वो सब, और अगर ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं, मेरा टिफ़िन बॉक्स रहता है बस, तो वो कैरी करने के लिए ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप बैकपैक यूज़ करते हो जब भी, तो आपके शोल्डर पे रहता ही है वो, आप कितना भी सोचो कि कम लोड है लेकिन फिर भी वो रहता ही है। करने के बाद टैंक बैग जब यूज़ करोगे आप एक दो दिन, आपको तुरंत रियलाइज़ होगा कि वाह कितना ये, कितना कम्फर्टेबल हो गया ये डेली ट्रैवलिंग। जो आपके शोल्डर पे लगातार एक बैग रहता है, भले ही वो आपको लग रहा है कि हल्का सा है और कम डिस्टेंस में यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके बॉडी पे स्ट्रेन क्रिएट करता ही है। तो जब आप टैंक बैग यूज़ करोगे तो आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि ये कितना रिलैक्स हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो डेली स्टफ़ है वो ईज़िली आपके इसमें टैंक बैग में आराम से आ जाता है, जैसे कि आपका जो टिफ़िन बॉक्स, आई बिलीव कि आप डेली अगर ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपका टिफ़िन बॉक्स, वॉलेट, मोबाइल फ़ोन यही सब यूज़ आप लेके कैरी करोगे, तो वो आराम से ये छोटे से टैंक बैग में आ जाता है और कैरी करने के लिए भी एकदम ईजी है। हैंडल पकड़ा उसका, उठा लिया। जब भी मैं टूरिंग के लिए यूज़ कर रहा था ये, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये मैं डेली ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, और डेली ट्रैवलिंग आई बिलीव्ड कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, और एक्चुअली वैसे ही हुआ। जब आपके शोल्डर पे कुछ भी लोड नहीं रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा वो कंफर्ट करा देता आपको, तो वैसे ही हुआ। ये तो मैंने छोटा सा टैंक बैग लिया बिकॉज मुझे कॉम्पैक्ट ही चाहिए था, सबसे आई थिंक सो स्मॉलेस्ट है ये, बट ये सफिशिएंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो राइड पे जाता हूँ तो क्या लेके जाऊँगा मैं, एक्शन कैमरा का जो माउंट्स वगैरह वो, फिर वॉलेट, पानी की बॉटल हो सकती है शायद, तो इस टाइप के छोटे मोटे सामान जो इसमें इजीली फिट हो जाते हैं। मेरी लद्दाख राइड पे जो मैं गया था उसमें भी मैंने यही टैंक बैग यूज़ किया था, तो जो मेन ज़्यादा वाले सामान रहते वो तो सब पीछे के जो टेल बैग है उसमें या फिर पैनियर्स में आ जाते हैं, बाकी जो छोटे मोटे राइड पे तुरंत लगने वाले चीज़ें हैं, वॉलेट वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो सारी चीज़ें सामने रहती हैं इसमें। तो जो ऑफिस जाने के लिए भी यूज़ करते हो तो ऑफिस में आप क्या वॉलेट लेके जाओगे, टिफ़िन बॉक्स वगैरह लेके जाओगे, तो छोटे मोटे चीज़ें ईजीली इसमें फिट हो जाती है। और एक और चीज़ मेरे को जो बहुत कन्वीनियंट लगी इसके बारे में कि नॉर्मली हम लोग कैसे मोबाइल फ़ोन पॉकेट में रखते हैं, जीन्स पहन रहे हैं या फिर ट्राउज़र पहन रहे हैं, तो भले वो थोड़ा कितना भी कंफर्टेबल हो लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है आपके पॉकेट में जब भी मोबाइल रहता है, और डेली ट्रैफिक में, खास करके मुंबई जैसे सिटी में जहाँ पे ट्रैफिक एकदम पीक पे ना, लिटरली बम्पर टू बम्पर रहता है लिटरली, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि आपका मोबाइल फ़ोन आप सामने टैंक बैग में रख रहे हो, तो आपका पैर का जो मूवमेंट है वो एकदम फ्री हो जाता है। वो बहुत, मतलब जितना सुनने में शायद आपको लग नहीं रहा होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है आपको। आपको सडनली ऐसा फील होगा कि आपका डेली जो ट्रैवलिंग है उसका जो स्ट्रेस है वो ऑलमोस्ट नहीं बोलो तो 50% कम हो जाता है। सो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लो टैंक बैग और यूज़ करो, बहुत काम की चीज़ है भाई, बोल रहा हूँ एकदम बहुत काम की चीज़ है। एक बार आप यूज़ करोगे तो वापस से बैकपैक पे जाओगे नहीं। I want to reach 1 million likes.
सो प्लीज सरा पकड़ा सरा पकड़ा सरा पकड़ा सरा पकड़ा है।